सलमान फारसी एक इस्लामिक इन्वायरमेंटल स्कूल है जहां इल्म की रोशनी है, साथ ही CBSE बेस्ड सिलेबस, वेल इक्विप्ड साइंस एंड कंप्यूटर लैब और क्वालिफाइड टीचर्स, सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज सेक्शंस, एम्पल ऑफ प्लेग्राउंड विथ नेचुरल एनवायरमेंट और स्विमिंग पूल फॉर प्री स्कूल, स्पोकन इंग्लिश, नमाज, इस्लामिक सिलेबस फ्रॉम द बिगनिंग। अपने बच्चों को इस्लामिक माहौल और आला तालीम दें। आज ही एडमिशन ले रीजनेबल फीस के साथ। सलमान फारसी स्कूल, आपके बच्चों के मुस्तकबिल की तामीर। टॉयलेट्स बना के टाइल्स लगा के रखी है पर उसमें पानी नहीं है। ये मुमरा का डेवलपमेंट ठेकेदार तय नहीं करेगा कौन सा काम होगा इस हलके में, अब आवाम तय करेगी। जो हुकुम शाही के तौर में जो कौसा मुमरा का नुकसान हुआ है आज हमारे नजर के सामने आया। संघर्ष के नाम पे तो यूनियन बना के बहुत मले खा लिए। इसका परसेंटेज हमारे में कोई नहीं है कि मुख्यमंत्री साहब की तरफ से विशेष 5 करोड़ रुपया ये स्कूल की मरम्मत के लिए लाया गया है। बच्चों को एक एजुकेशनल माहौल दिया जाएगा। शासन ने पहले भी पैसा दिया था बट वो पैसा गटर में बह के चला गया खाड़ी में। अब ये हकीकी पैसा आपके नजर के सामने दिखेगा। आज ये स्कूल की हालत देखिए, 2015 या 16 में ये स्कूल तामीर हुई थी और अब राबोड़ी आइए 87 में बनी हुई स्कूल देखिए। तो जब इतनी बड़ी बात किए तो कल विधानसभा के अंदर क्यों मैं कटोरा लेकर खड़ा था, मुझे 1 रुपया दिया नहीं, ये बयान कर रहे। दोगली बातों को और दोगली बात करने वालों को अब हमारे जिंदगी से दूर करने का वक्त आया है। मुझे यहाँ के प्रिंसिपल्स और टीचर्स ने बताया, आपको हैरत होगा कि लाइब्रेरी तैयार होकर कई महीने हो गए बट उसकी चाबी भी अभी ठेकेदार के पास है। मैं चॉकलेट दे रहा हूँ, लोग चॉकलेट खा रहे, और दूसरा चॉकलेट दे रहा हूँ तो पहला कड़वा था कि मीठा था वो याद भी नहीं रख रहे। अब टॉयलेट का भी उद्घाटन होगा, कब्रस्तान पे तो नाम लग गया। बेगम की आवाम ने हमको सराया है, हमको एक कुर्सी पे बिठाया है, हमको इज्जत दिया है, तो वो काम मेरा फर्ज है, मेरा नाम नहीं। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टीम्स। इस समय मौजूद है मुमरा के MM वली स्थित TMC का जो स्कूल है। आप देखेंगे इस स्कूल में जो है 12 महानगर पालिका की स्कूलें चलती हैं और आज नजीब मुल्ला ने इस स्कूल में विजिट किया क्योंकि इस स्कूल की जो है हालत काफ़ी खस्ता है। पानी की सुविधा इसमें नहीं है, इसके अलावा बच्चों को पढ़ने लिखने की जो बेंचेस हैं, जो छत है वो टपक रहा है, ऐसे तमाम यहाँ पर जो है स्कूल में जो है प्रॉब्लम है। टीचरों से बात की, टीचरों से समस्या सुनी नजीब मुल्ला ने। इसके अलावा जो है स्टेडियम का भी नजीब मुल्ला ने विजिट किया क्योंकि स्टेडियम में कुछ दिन पहले ही एंट्री करने के लिए जो है पैसे लिए जाने का वहां पर बोर्ड लगाया गया था जिस पर काफ़ी हंगामा हुआ था। खेल के मैदान को लेकर, लाइब्रेरी को लेकर, ये तमाम मुद्दों को लेकर नजीब मुल्ला आज मुमरा शहर के में विजिट किए हैं और कई स्कूलों में भी जाने वाले हैं। लेकिन नजीब मुल्ला ने कहा है कि 6 करोड़ रुपया की जो है वो निधि लेकर आए हैं। दरअसल 5 करोड़ रुपया, ये जो आप स्कूल देख रहे हैं जिसमें 12 स्कूलें इसमें चलती हैं, 5 करोड़ इस स्कूल के लिए है और 1 करोड़ रुपया जो है वो जो कौसा में महानगर पालिका की स्कूल है उसके लिए है। नजीब मुल्ला का साफ तौर पर कहना है कि वो बदलाव करेंगे इन स्कूलों में क्योंकि जो बच्चे इसमें पढ़ते हैं उनका भविष्य जो है वो संवर सके और बर्बाद ना हो। स्कूल को अच्छा बनाया जाए, बेहतर क्वालिटी का स्कूल बनाया जाए, साथ ही कहा है कि टीचरों की भी मुहैया इसमें जो है कराई जाएगी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नजीब मुल्ला के जो विरोधी हैं उन पर तंज करते हुए नजीब मुल्ला ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। नजीब भाई, आज आपने MMLE के स्टेडियम में और TMC का जो स्कूल है यहाँ पर विजिट किया है और कुछ इसके लिए निधि भी आई है, कितने करोड़ की निधि है, आपने दौरा किया, क्या क्या खामियाँ मिली हैं? हमने पहले ही कहा था कि अब जो काम होगा वो लोगों को भरोसे में लेके जगह पे जाके और जो ज़रूरत है सबसे राय मशोरा किए करके काम होगा, ये हमने ऐलान किया था और उसकी पहले से हमारे रीत रिवाज शुरुआत है क्योंकि हमने कहा था कि आप ठेकेदार तय नहीं करेगा कौन सा काम होगा इस हलके में, अब आवाम तय करेगी, जो उसके इंटरेस्टेड पार्टीज़ है वो तय करेंगे। आज सुबह हमने स्टेडियम में दौरा किया,
स्टेडियम की खस्ती हालत देखी, उसके बाद में बैडमिंटन कोर्ट देखा उसकी खस्ती हालत देखी, स्विमिंग पूल देखा। बहुत शर्म की बात है कि कॉरपोरेशन ने करोड़ों रुपया खर्चा किया था। सिर्फ आप कॉरपोरेशन के ऊपर इल्ज़ाम नहीं देना है, जो हुकुमशाही के तौर में जो कौसा मुमरा का नुकसान हुआ है आज हमारे नज़र के सामने आया, उसके लिए हम अभी निधि लाने के लिए क्या काम करना चाहिए, वहाँ हमने काम का एक फहरिस्त बनाई है। क्रिकेट एकेडमी देखी जो अच्छी तरीके से चल रही है, बाकी के चौजे तो हमने ऐलान किया है कि वहाँ बैडमिंटन कोर्ट को एक नया कोर्ट दिया जाएगा जो इंटरनेशनल लेवल पे थाना के बैडमिंटन को दिया गया है, तो बैडमिंटन खेलने वाले लोग वो एक बेहतरीन कोर्ट का इस्तेमाल कर सके। चौथा कोर्ट खराब है बैडमिंटन का, उसको मरम्मत करके उसको नया तरीके से किया जाएगा। पीछे लॉन टेनिस कोर्ट खराब है, बुमराह कौसा की आवाम के लिए एक टर्फ दिया जाएगा जो कम कीमत में होगा, और उधर नया टर्फ बनाया जाएगा, जब फुटबॉल खेलना चाहे तो प्राइवेटली फुटबॉल खेल करे पे करके, खेलना चाहे तो क्रिकेट खेले। हमारे नौजवानों को खेल के मैदान की ज़रूरत है, आज हमने खेल के मैदान की जगह मुकर्रर की है। इंशाल्लाह ट्यूसडे के दिन कमिश्नर या मंडे के दिन कमिश्नर साहब की मीटिंग है, उधर वहाँ खेल के मैदान का हम ऐलान करेंगे। उसके साथ में जिन लोगों को वॉक के लिए आना है, जो एतराज़ चल रहा है कि भाई सिंथेटिक ट्रैक के ऊपर एथलेटिक्स और इनका के सिंथेटिक ट्रैक पर हील स्पिन के आते हो, ट्रैक ख़राब होती है, उसके लिए नए तरीके से नई जगह पे स्टेडियम के अंदर ही हमने जगह मुकर्रर की है, जिधर वॉकिंग ट्रैक बनाया जाएगा बहुत खूबसूरत, जिधर आवाम बिना कोई खर्चे के बिना कोई फीस के उधर जाके अपना वॉकिंग कर सके, इससे अच्छा वो जगह हमने मुकर्रर की है। ये स्टेडियम के सिलसिले के बाद स्कूल में माननीय एकनाथ शिंदे साहब के ज़रिए हमने पैसे की डिमांड की थी मरम्मत करने की, बेसिक ज़रूरतों की, तो 5 करोड़ रुपया निधि, मैं शिंदे साहब, अजीत दादा और फडणवीस साहब का शुक्रगुजार हूँ, खुसूसन श्रीकांत जी शिंदे साहब का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बहुत मदद की ये निधि लाने में, कि मुख्यमंत्री साहब की तरफ से विशेष 5 करोड़ रुपया ये स्कूल की मरम्मत के लिए लाया गया है, और 1 करोड़ रुपया हमने आइडियल मार्केट की इधर की जो छोटी स्कूल है उसके लिए भी ला गया है। यहाँ टॉयलेट के ठेकेदार के मर्जी के लिए 3 महीने से टॉयलेट्स बना के टाइल्स लगा के रखी है, बट उसमें पानी नहीं है। ये मुमरा का डेवलपमेंट, उसके अंदर पानी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, टॉयलेट सब बंद है, उसके लिए इमीडिएटली हमने ऑर्डर दी जो कम करता है चालू करो, हर पानी फ्लोर के ऊपर एक्वा गार्ड रहेगा और यहाँ का बच्चा साफ सुथरी पानी पीने को उसको मिलेगा, कूलर रहेगा हर फ्लोर पे। लीकेजेस का मामला हमने देखा, स्कूल का क्लासरूम्स को दरवाजे नहीं है, लीकेज है, कांचे टूटी हुई है, ये सब मरम्मत है। स्टाफ को, टीचर्स को संघर्ष के नाम पे तो यूनियन बना के बहुत मलाई खा लिए, बट यहाँ टीचर्स को बैठने का इंतज़ाम नहीं है, उसके लिए आज हमने टीचर्स का किया है कि भाई वो इखराजात में बेसिक करें, नए तरीके से नए स्कूल का चेहरा बदला जाएगा, नया पेंट जो एक एजुकेशनल ग्राउंड पे होगा जिसके अंदर स्टेप्स चढ़ते रहेंगे, आप जब पायरिया चढ़ते रहेंगे तो वहाँ आपको पारे लिखे जाएंगे, 2 2 4 2 3 6 वो पूरा लिखा जाएगा, बच्चों को एक एजुकेशनल माहौल दिया जाएगा। ये सब इखराजात लिए है, जहाँ लीकेज है वहाँ शेड का डिमांड किया है, और बाकी के बहुत से डिमांड आए हुए, फंड हमारे को मुख्यमंत्री साहब ने दिया है, पैसा आया है, पैसा आवाम के खिदमत के लिए आया है, आवाम को सहूलत देने के लिए आया है। उर्दू और मराठी के 12 स्कूलों को अच्छी सहूलत बच्चों को टीचर्स को देने के लिए आया है। ठेकेदार पैसा खा के नहीं जाए, क्योंकि यहाँ मिस्टर परसेंटेज हमारे में कोई नहीं है, इसीलिए हमने खुद टीचर्स स्टूडेंट से बात करके क्या ज़रूरत है वो रखा है। ये इखराजात के अंदर जो पैसा बचेगा तो और इधर इंफ्रा के अंदर हम खर्चा करेंगे, और हमारा नया पैसा माध्यमिक स्कूल की नई बिल्डिंग के लिए आने वाला है, उधर जहाँ लैब है लैब क्रिएट करना है उसके लिए हम इखराजात करने वाले, यहाँ साइंस लैब नहीं है तो हम लैब क्रिएट करेंगे कि 10वीं पढ़ने वाला बच्चा है तो उसको साइंस लैब मिले, ये सब चीज़ के लिए हम ये पैसा वापरेंगे। अब मुमरा का हकीकी आवाम के मर्जी का डेवलपमेंट की शुरुआत हो चुकी है, विधानसभा के इलेक्शन को बहुत टाइम है, बट एक अपना कौम का फ़र्ज़ होता है
और वो फ़र्ज़ निभाने के लिए हम लोग हमारे रसूख को वापर के पैसा लाए। शासन ने पहले भी पैसा दिया था, शासन ने पहले भी पैसा दिया था, बट वो पैसा गटर में बह के चला गया खाड़ी में। अब ये हकीकी पैसा आपके नज़र के सामने दिखेगा। आज ये स्कूल की हालत देखिए, 2015 या 16 में ये स्कूल तामीर हुई थी, और अब राबोड़ी आइए 87 में बनी हुई स्कूल देखिए। 87 में सुशील कुमार शिंदे साहब जब यूडी मिनिस्टर थे, नगर विकास मंत्री थी, स्कूल देखिए। और ये देखिए कौन सी नई दिखती है, आप ही तय कीजिए, मैं विजिट लगाता हूँ। इसके लिए मुझे लगा कि जहाँ हमारा मुस्तकबिल बदलता है, जहाँ मुस्तकबिल तय होता है, वहाँ अच्छी सहूलत देनी चाहिए। और वो सहूलत देने के लिए आए बड़े बड़े कौम हिंदू मुस्लिम के नारे मार के हमको उसमें गुमराह रखने से अच्छा है हम तामीरी काम करें और तामीरी कामों पे बात करें। स्टेडियम का तामीरी काम नजीबुल्ला का राबोड़ी से लेके पूना तक चर्चा हो रहा है काम का। कल हम मिले थे एमएलए सुनील अन्ना शेड़गे से, तो वो काम की तारीफ कर रहे थे। ऐसा क्या जादू चला रहे मुमरा में, विकास की गंगा, विकास ही विकास। हमारे इस्लाम में एक ही चीज़ सिखाया गया है कि बोलो सच बोलो, दिल से बोलो और साफ नीयत रख के बोलो। जब नीयत साफ हो और अल्लाह का खौफ हो तो अच्छा ही काम का नतीजा आता है। आपने देखा रहेगा जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली 50 करोड़ की, तो यहाँ के मिस्टर परसेंटेज विधायक ने कहा कि कोई मुमरा की आवाम 50 करोड़ में बिकने नहीं वाली है। तो पहले जब आपने निधि लाया था तो निधि में जब ऐलान किया था कि जब खरीदने की बात थी आपकी, और दूसरी बात शासन का जब पैसा आता है वो आवाम को होता है, वो जीआर के अंदर ना विधायक का नाम होता है, आमदार का नाम होता है, ना नगर सेवक का होता है, ना कोई नेता का होता है, क्योंकि वो पैसे के हकदार वो आवाम का होता है। हमारा जीआर देखो वैसा ही है, पहले भी जीआर वैसा ही है। तो जब इतनी बड़ी बात किए तो कल विधानसभा के अंदर क्यों मैं कटोरा लेकर खड़ा था, मुझे एक रुपया दिया नहीं, ये बयान कर रहे। दोगली बातों को और दोगली बात करने वालों को अब हमारे जिंदगी से दूर करने का वक्त आया है। आपके ज़रिए यहाँ की आवाम से दरख्वास्त है कि ये दोगले पने लोगों को दूर रख के अच्छा काम हम मिल के करेंगे। खेल खेल का मैदान के लिए जो बात है, स्टेडियम में लोगों का ऐसा कहना है कि बच्चे खेलने का आए हैं, तो कम से कम जब बंद रहता है तो उस दौरान शहर के बच्चों को खेलने के लिए स्टेडियम तो दिया जाए, जब वो किराए पे देना रहे उस वक्त किराए पे दिया जाए, लेकिन उस और दिनों में बच्चों को खेलने के लिए स्टेडियम दिया जाए। मेरा आप लोगों से कहना कि बहुत अच्छी सुझाव है, बहुत अच्छा सुझाव है। ये चीज़ आज हमारे उपायुक्त मिनल पालंडे मैडम थे हमारे साथ में और हमने जाहिर किया, तो उनका कहना है, उनके कुछ बातें थे कि भाई उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। तो हमने अभी कुछ चीज़ें उनसे डिमांड की है कि जो स्टेडियम की सच्ची ज़मीन थी वो पूरी मुकम्मल तौर पे डेवलप नहीं हुई है, क्योंकि डेवलपमेंट करने वाले हम थे, ताज पहले किसी और के सर पे बिठाए, बट हकीकत में डेवलपमेंट करने वाले, इस चीज़ को मंजूर करने वाले उस सभागरा के हम नगर सेवक थे, सब नगर सेवक और नगर सेविका थे। तो जब भी हमको मालूम है पार्शल डेवलपमेंट हुआ था, जब भी सीआरजेड था, अब सीआरजेड की लाइन सरक गई है, नई जगह हमको ओपन हो गई है डेवलपमेंट को, उसके पूरे नक्शे मंगा के हमने मंगल के दिन, मैंने कहा पीर या मंगल का वक्त मिलेगा उस दिन हम प्लान रखेंगे, और समझो हमको जो 50 मीटर का पेरीफेरी का ग्राउंड, जिसके लिए हमको 4000 मीटर की सर्कुलर ज़मीन चाहिए, वो ज़मीन मिल जाती है तो हम वो करेंगे, नहीं करेंगे तो हम आपको वादा दिलाते हैं अदर देन द रिजर्व डेट हम उधर बीच में विथ रिस्ट्रिक्शंस सब्जेक्ट टू मेंटेन ऑफ वो ट्रैक, सिंथेटिक ट्रैक, वो बच्चों को हम उधर इंशाल्लाह खुला करके देंगे। हम गेट दिखावे के लिए तोड़ के ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ नहीं देंगे, हम जो देंगे पुख्ता सबूत के साथ पक्का देंगे कि एक बार दिए तो वो फिर से आपसे लिया नहीं जाएगा। आप नजीब भाई, आप जिस स्कूल में आए हैं, नजीब भाई आपको हैरत की बात है, मैंने कहा ना यहाँ तय ठेकेदार किया जाता था, यहाँ हमने अभी इंजीनियर से बात किए संबंधित, आपको हैरत होगा, मुझे यहाँ के प्रिंसिपल्स और टीचर्स ने बताया, आपको हैरत होगा कि लाइब्रेरी तैयार होकर कई महीने हो गए बट उसकी चाबी भी अभी ठेकेदार के पास है। मैं बोला ना कि यहाँ सहूलत किसको क्या दी जाएगी, ठेकेदार कहता, क्योंकि ठेकेदार परसेंटेज से सबको खरीद लिया है ना अभी तक, अब नहीं होगा,
हमने इंजीनियर को कहा है कल सुबह तक सिटी इंजीनियर के पास उसकी चाबी जमा होनी चाहिए, लेटर देके स्टेट को जाना चाहिए। कुछ लाइब्रेरी के सिलसिले में प्रस्ताव यहाँ के माध्यमिक के और प्राइमरी के प्रिंसिपलों ने और टीचर्स ने हमको दिया है। कुछ प्रस्ताव यहाँ के एजुकेशनिस्ट सोशल वर्कर ने हमको दिया है। बेशक जो आवाम के हित में होगा वो प्रस्ताव के हिसाब से लाइब्रेरी इमीडिएटली ओपन की जाएगी। अहम मुद्दा है डैम का। मुमरा शहर के अंदर डैम की शक्ल दिखाई गई और वो डैम नहीं मिलेगा, सेंट्रल रेलवे का है, लेकिन गणेश नाइक जी ने उसका पाठ पुरावा करके डैम इस्तेमाल में ले लिया। कहाँ था डैम? वंचित क्यों है ये डैम बना? एरोली खड़ी मशीन। मुमरा को मिलेगा पानी 24 घंटा, सपने दिखाने वाले कहाँ है वो नेता? मैं आप लोगों के जरिए यहाँ की आवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि हम पढ़ा लिखा रहता है, भले कलवा 55% सब अच्छा है, मुमरा कुछ थोड़ा सा बदमाश है, कुछ इंटरव्यू में हमने यहाँ के नुमाइंदे साहब ने देते हुए सुना है, तो तवज्जा दीजिए कि हमारी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है। आज हमारी पानी की रिक्वायरमेंट आज 40 MLD के ऊपर हमको पानी आ रहा है। 40 MLD पानी रोज़ देना 365 दिन में देखेंगे वो डैम पुरने वाला है क्या? एक वो छोटा सा वाटर कलेक्शन पॉन्ड है, उससे कोई इतना बड़ा डैम का पानी नहीं है कि दे सके। बट आवाम ने मांगा, मैं चॉकलेट दे रहा हूँ लोग चॉकलेट खा रहे, और दूसरा चॉकलेट दे रहा हूँ तो पहला कड़वा था कि मीठा था वो याद भी नहीं रख रहे। तो उस तरीके से आवाम सिलसिला चल रही है, झूठ का सिलसिला शुरू हो रहा था। इसलिए मैंने क्या कहा, अब हकीकत में सच्चा काम होगा, जो कहा जाएगा वो वापस नहीं लिया जाएगा आपसे और वो मुकम्मल तौर पे आपको मिलेगा। ऐसा कोई डैम की प्रोविज़न नहीं है, ऐसा कोई ना डैम का प्रस्ताव MMRDA ने किया है, ना ऐसा डैम का प्रस्ताव ना MIDC ने किया है, ना ऐसा डैम का प्रस्ताव महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने किया, ना ऐसा कोई डैम का प्रस्ताव ठाणे महानगर पालिका ने किया। मैं जितने संस्थाओं के नाम दिया हूँ ये सब पानी के डैम चलाने बनाने का काम करते, इन्होंने किसी ने दिया नहीं है। तो जो कहा गया है वो सिर्फ सारे पत्रकार एक एक सवाल लेंगे आपसे। नजीब भाई, सबसे जो है सहूलत है शौचालय को लेकर, हाँ यहाँ पे देखेंगे आपको शौचालय तो बन गया है लेकिन अब तो वो चालू नहीं। आपने आप वहाँ मौजूद थे, आपका वीडियो कैमरा भी चालू था, वहाँ के एक सर ने कहा कि हमने मना किया था काम नहीं हुआ, बट उद्घाटन करने के जोर पे काम तो कर दिया, बट 3 महीना लॉक करके रखे थे। अब टॉयलेट का भी उद्घाटन होगा, कब्रस्तान पे तो नाम लग गया बेगन, काम हम भी करते, बट नाम से ज़्यादा एक अल्लाह को जवाब रहता है कि आवाम ने हमको सराया है, हमको एक कुर्सी पे बिठाया है, हमको इज्जत दिया है, तो वो काम मेरा फ़र्ज़ है, मेरा नाम नहीं। आपने सुना जब भी सरों ने क्या कहा, हमको ताला तोड़ना पड़ा। तो आप सोचो ना, उद्घाटन के पहले उस शख्स को ये भी नहीं समझा कि पानी आ रहा है कि नहीं, लाइन ही कनेक्शन नहीं है। बट हमने इंजीनियर्स को कहा है कोई कुछ नहीं, इमीडिएटली उसका काम शुरुआत करो, टॉयलेट शुरुआत करो। आज टीचर्स ने कहा है कि हमारी रिटायरमेंट की एज हो गई है, तहारत खाना हमारी क्या तकलीफ है, और इस तकलीफ इस तरीके से रहेगी जब जहन आपका सुकून का नहीं रहेगा तो आप तालीम कैसी अच्छी दे पाओगे, वो ज़रूरी। टीचर भी कुछ अपॉइंटमेंट किए गए आपके तरफ, टीचर के कुछ किया गया यहाँ पर टीचर्स के? अभी आपको बताऊँ मैं, खुशी की बात है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से 20 टीचर्स लाए गए हुए नए, और टोटल जनाब लोगों से मैंने टीचर्स का पूरा व्यवरू बियरू लिया है कि कितने टीचर्स का मैं सब्जेक्ट वाइज क्या है क्या नहीं। रूल के हिसाब से 80 बच्चे के ऊपर जब हो जाता है, एक संचेत उसको कहा था संचेत ही, तो एक टीचर्स बढ़ता है 40 पे 35 पे एक, 80 पे दो, और 80 के ऊपर 83 बच्चे हुए तो तीसरी टीचर्स, तो उसका क्या रिकॉर्ड है? जितने भी कम टीचर्स हैं हम ताबड़तोब कोई भी तरीके से भरेंगे। बीच में एक शिकायत आई थी माध्यमिक की, जो मैंने खुसूसन फ़ोन करके रोका, एक यह स्कैम चल रहा था जो प्राइवेट स्कूल के टीचर इधर टेबल कुर्सी लगाते हैं और 8वीं के बच्चों को प्राइवेट में लेकर जाते हैं। समझो 8वीं में 350 बच्चे पास हुए हैं तो 9वीं में 350 बच्चे जाना चाहिए। यह 8वीं माध्यमिक की स्कूल 10वीं तक ये सबसे पहले राबोड़ी में शुरू हुई, और उसके बाद मैंने 2009 के बाद मुमरा में शुरू किया। सर एक बेसिक क्वेश्चन है कि जैसे कि ये 10th तक का स्कूल,
आप इसके लिए कोशिश करेंगे कि ये 12 तक हो? हमने खासदार श्रीकांत जी शिंदे साहब ने इलेक्शन में वादा किया है और हमारा कॉलेज का फंड अभी आने वाला है। आने वाले दिनों में सबसे पहला टप्पा हमारी आवाम को मैं ये वादा दिलाता हूँ कि गर्ल्स कॉलेज आपको मिलेगा। 10वीं तक के बच्चे भी मुकम्मल नहीं हो रहे। आज मेहनत करके मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, जब ये आपके विधायक विधायक नहीं थे, MLC थे। सुप्रीम कोर्ट से SLP दाखिल करके राबोड़ी में पहली शुरू किया और उसके बाद यहाँ शुरू किया। हमारा मंशा ये था कि 10वीं तक बच्चा पढ़ता है तो उसके रास्ते खुलते हैं, अलग हायर एजुकेशन में जाता है, उसका मुस्तकबिल बदलता है। बट हमने यह एक स्कैम देखा है कि टीचरें अपनी संचेती की नौकरी बचाने को 2 महीना 6 महीने का भर के प्राइवेट स्कूल में लेकर जाती है। टीचर्स को सबको ताकीद दिए, 350 बच्चे 8वीं में से गए तो 9वीं में भी 350 बच्चे ही दाखिल होने चाहिए, बीच के हम ड्रॉप आउट नहीं लेंगे। इफ़ ड्रॉप आउट होता है तो प्रिंसिपल को हमको जवाब देना पड़ेगा। अब सही काम होगा क्योंकि हम सिर्फ अल्लाह से डरते और किसी का खाते नहीं है।